सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सूरज के क्लासेस को एंड बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सूरज की क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट की रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में। दोस्तों इससे पहले कि हम इस पूरी वीडियो को शुरू करें, हम आपको बताना चाहेंगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सूरज की क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह है बिल्कुल फ्री और इसी के साथ आपको मिलते हैं रोजाना लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स। तो दोस्तों चलिए आइए शुरू करते हैं क्या है इस जॉब में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्टमैन की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। 10वीं पास अगर आप हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। वैकेंसीज हैं 132, 21,700 रुपये का आपको पर माह वेतन मिलेगा। यहाँ पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब लोकेशन की हम बात करें तो हैदराबाद और सिकंदराबाद में आपका जॉब लोकेशन होगा। लास्ट डेट है 21 अप्रैल। तो ये तो हो गई पूरी जानकारी। जो इसके अलावा भी एक और वैकेंसी है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इसके बारे में अदर क्वालिफिकेशन पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर चाहिए आपको SSC मतलब कि 10वीं पास, स्केल ऑफ पे 21,700, 7th जो कमीशन है उसके अकॉर्डिंग एडमिशन पर अलावेंस एज पर प्रक्रिया फ्रॉम टाइम पे, तो जो अलावेंस है इसके अलावा और भी मिल जाएंगे। तो 21,700 से ज़्यादा ही सैलरी आपकी होगी, जो नेट सैलरी ग्रॉस सैलरी आपकी आएगी हाथ में आएगी वो सैलरी 21,700 से ज़्यादा ही होगी। वैकेंसी हम देख लें तो मेल गार्ड के लिए जो आई है 10वीं, उसके में सिर्फ 2 पोस्ट हैं, 21,700 यहाँ भी सैलरी है और फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ भी आपको हैदराबाद सिकंदराबाद में आपका पोस्टिंग होगा। 21 अप्रैल से पहले पहले आपको अप्लाई करना है, ये बात आप पूरी तरह से ध्यान में रखिए। यहाँ भी 10वीं पास और यही 7th पे कमीशन के हिसाब से एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी आपकी 100 रुपये होगी, एग्जामिनेशन फ़ी 400 रुपये। तो एड्रेस यहाँ पर देख लो तो एड्रेस है ये चीफ पोस्टमास्टर जनरल तेलंगाना पोस्टल सर्वे हैदराबाद का। कैसे अप्लाई करें उसके बारे में चलिए थोड़ा तब पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है इसमें कैसे अप्लाई करें। द कैंडिडेट हैज़ टू एक्सेस द वेबसाइट, तो यहाँ जो तेलंगाना पोस्टल सर्कल की वेबसाइट है वहाँ पर आप जाकर देख लीजिए इसका नोटिफिकेशन, कैसे अप्लाई करना सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। और नेक्स्ट चीज़ इसमें जो बताई कैंडिडेट्स को, पहले आपको यहाँ वहाँ पर जाकर रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के बाद आपको जो है फी वगैरह पेमेंट आपको करना होगा और एप्लीकेशन आपको सबमिट कर देना है। मोबाइल ईमेल आईडी जो भी आप यहाँ पर इंटर कर रहे हैं ध्यान में रखिए वो चालू रखिएगा थ्रू आउट दी रिक्रूटमेंट। कभी भी जरूरत अगर पड़ेगी पोस्टल सर्कल वालों को आपसे कांटेक्ट करने की तो आपको उस नंबर और ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये तो है कुछ जनरल बातें, इसके अलावा देखें तो आफ्टर सक्सेसफुल एक यूनिक आईडी आपको मिल जाएगा जो आपको जरूरत पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के बाद में, वो आप याद रखिएगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट की हम बात करें तो 22 मार्च से शुरू हो चुके हैं और ये लास्ट इसकी डेट है 21 अप्रैल। तो बस दोस्तों ये तो था इस रिक्रूटमेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें लाइक करके बता सकते हैं। इसी के साथ हमारे कमेंट बॉक्स में आपके कुछ सजेशंस हैं तो हम आपको वेलकम करेंगे, सजेशन आप रखिए। और इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि जो भी इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सके। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।